अब चव्हाण साहब की बात कर रहे हो आप, केके शर्मा जी पहले आप दीजिए। उन्होंने कहा अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किसी के घर के बाहर जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कानून अपना काम करेगा। और जहां तक सवाल रहा लाउड स्पीकर का, तो कानून सबके लिए बराबर है। सौरभ जी प्रश्न ही तो यही है ना, उन्होंने पढ़ा कहां? सारे दुनिया ने देखा टीवी में, उसको उनको तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया। इनके गुंडे उनके घर के दरवाजे के सामने जो है घेर के खड़े रहे और पुलिस दर्शक बन के खड़ी रही। वो तो परिवार बाहर ही नहीं निकला। 2 बजे उसने घोषणा भी किया कि मैं नहीं वहां जा रही हूं, फिर भी आपने उसको अरेस्ट किया। अब वो नवनीत राणा निर्दलीय हो या कोई भी हो, आप किसी आम व्यक्ति के साथ भी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कोई भी उसका प्रश्न उठाएगा। और फिर आप जो है राजद्रोह का केस लगा रहे। ना उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, ना उन्होंने घर से वो बाहर निकले, उसने अपना कॉल वापस ले लिया, इसके बावजूद आप उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप उसके राजद्रोह लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो है खुल्लम खुल्ला तानाशाही कर रहे हैं, आप अपनी सत्ता की ताकत दिखाना चाहते हैं, आप विरोधियों को कुचलना चाहते हैं कि आपके विरुद्ध कोई बोले ना। दूसरी बात, जब अभी एक कह रहे थे, मैं जो शिवम जी ने एक प्रश्न उठाया कि एक जो ऑर्डर वहां पारित हुआ नासिक में, उसमें क्या कहा गया है कि नमाज के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक आप जो है 100 मीटर के दायरे में कोई लाउड स्पीकर नहीं बचेगा। बिल्कुल ठीक भाई, ये 15 मिनट और 15 मिनट आधा घंटा क्यों दिया आपने? किस बात के लिए दिया? कह रहे हैं अभी तो बोले तो कि माहौल खराब ना हो, कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सौरभ जी कानून की जिम्मेदारी है। आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? यदि मैं बगल में मेरे घर है और मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा हूं, मेरे घर में हो रहा है, क्या होने नहीं देंगे आप? होने नहीं देंगे? क्योंकि नमाज है इसलिए मुझे आधा घंटा बाद में पूजा करना पड़ेगा? यह कौन सी स्वतंत्रता मेरी है? ठीक, कैसे आप मेरा हक चीज? अच्छा ठीक, एक बार रोहन जी आपकी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। एक बात करके पूरी करता हूं। हां बोलिए। ये तानाशाही केवल यहां नहीं देखने को मिल रही है, ये तानाशाही हमें राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। राजस्थान में इनकी राज गहलोत सरकार आर्डर निकालती है कि रमजान में जो है 1 महीने तक मुस्लिम बहुल इलाकों में जो है बिजली निर्बाध रूप से पहुंचाई जाए, कोई कटौती नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, उसी समय रामनवमी हो रही है, मुझे बात पूरी करें फिर आप डिबेट खोल दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसी समय रामनवमी में करोड़ों जो है हिंदू महिलाएं जो है और पुरुष व्रत करते हैं, क्या उनके लिए जो है आप बिजली सप्लाई नहीं करेंगे? केवल मुसलमानों के रोजा इसलिए करेंगे? फिर आप वहां ऑर्डर निकालते हैं कि शोभा यात्रा निकलेगी, कोई छत के ऊपर से शोभा यात्रा नहीं देख सकता, अपने घर में धर्म ध्वज नहीं लहरा सकता, शोभा यात्रा निकलेगी तो पुलिस बाहर से उसपे घरों के बाहर में ताला लगाएगी। ये क्या है? अच्छा ठीक है, मुगलिया शासन में। ठीक है शर्मा जी, अब जरा उत्तर सुन लीजिएगा। रोहन गुप्ता जी बोलिए। सौरभ जी, पहले इनको मैंने जो सवाल पूछा कि जो राणा जी से इनको इतना प्यार क्यों है जिन्होंने राम का विरोध किया, श्री राम का विरोध किया, इसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि ये इनकी असलियत है, इनकी नियत में ही खोट है। उनको प्यार इसलिए क्योंकि सत्ता में उनको कहीं ना कहीं इनका फायदा दिख रहा है। देखिए सौरभ भी, काफी बात इन्होंने की, मैं सबके जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने राजस्थान की बात की, ये भूल गए कि राजस्थान में दिवाली में भी ये होता है कि 1 महीने तक कहीं पे कोई कटौती नहीं होगी, उसका मैं आपको परिपत्र दिखा दूंगा। पर इनको सत्य से मतलब नहीं, इनको अर्धसत्य से मतलब है, क्योंकि उनको डिवाइड करना है हिंदू और मुसलमान में। हिंदुओं को ये भड़काना कि देखो ये हो रहा है, अरे हिंदू सब आपकी असलियत जानते हैं। जो हिंद वहां पर मंदिर को तोड़ा गया 300 साल पुराने, पहले उन्होंने बहुत बड़ा उस पर कैंपेन किया, जब असलियत आई कि उनकी ही नगर पालिका है उसके ऊपर चुप हो गए। जहांगीरपुरे में उन्होंने बहुत बड़े दंगे कराने का प्रयास किया, वहां पे लगा उसमें भी भाजपा ही है, फिर वहां पे चुप हो गए। जहां जहां सौरभ जी ये पूरे देश में ये जो माहौल फैला है वहां बीजेपी आपको पीछे नजर आएगी। जैसे ही एक्सपोज होते हैं दूसरे मुद्दे पे चले जाते हैं। मैंने अभी आपको कश्मीर फाइल का उदाहरण दिया, कल प्रधानमंत्री वहां पे गए, मुझे बताइए दर्द, पूरे देश ने दर्द को देखा। अगर थोड़ा भी दर्द प्रधानमंत्री में होता, अगर थोड़ी भी वो मूवी में जो बताया है उसके साथ उनकी संवेदना होती, तो क्या 5 मिनट समय देना उनका लाजमी नहीं होता था? आज उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही है। आज जो राणा जो श्रीराम के खिलाफ है, आज भाजपा उसके साथ। एक मिनट सौरभ जी, एक बार मुझे मेरा आंसर खत्म कंप्लीट कीजिए, फिर सवाल है आपके, बोलिए। जिग्नेश मेवाणी जो एमएलए है, उसको एक जो जिग्नेश मेवाणी एक एमएलए रातों रात 11 बजे किस एफआईआर की कॉपी दी गई, उनको उठा के आसाम ले जाएगा, ये कौन सी तानाशाही? उनको रिमांड दिया गया जहां पे उनको एप्लीकेशन उनको मिला नहीं कि एफआईआर किस बात की है, उसके ऊपर रिमांड। और वहां पे गुजरात का जो सचिवालय है एक सवाल नहीं पूछता है,
तो मैं आपको सौरभ जी बता रहा हूं, जो दोगलापन है इनका सिर्फ एक मुद्दा है कि किसी भी प्रकार से देश, अब रोहन जी जरा दो प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा, अब दो प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। पहले मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी बतौर एक हिस्सेदार महाराष्ट्र की सरकार में क्या रुख है इस बात पर कि एक महिला सांसद के खिलाफ के घर के बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा हो जाती है, वहां पर बोतल चलाई जाती है, जब उनको थाने ले जाया जाता है वहां पर मारपीट की नौबत आ जाती है, ये सब कुछ तब जब वो पति पत्नी कह रहे हैं कि अब हम नहीं जा रहे, हम मातोश्री के बाहर नहीं जा रहे, हम हनुमान चालीसा पढ़ने, उसके बाद भी हंगामा, उसके बाद भी उन्हीं को गिरफ्तार, और गिरफ्तार करने के बाद राजद्रोह। सौरभ जी यहां पे मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे भाजपा है। अगर ये दंपत्ति का अगर उद्देश्य ठीक होता, जब उन्होंने ये बात शुरू की श्रीराम का विरोध करने वाले के साथ में भाजपा खड़ी है, तो ये क्या गलत चीज नहीं है? वो एक पॉलिटिकल बात है, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो सौरभ जी मेरी बात को खत्म, जो धार्मिक मैं बोल रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रही है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, कोई और नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेरी। नहीं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि नवनीत राणा तो हिंदू विरोधी थी, उसका जवाब राम जी के विरोध में बोलती थी, उसका जवाब ये दे देंगे, लेकिन आप पहले अपनी अपनी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। जो काम उन्होंने किया ही नहीं, जो गुनाह किया ही नहीं, कि जबरदस्ती कहीं जाकर के पढ़ने का, फिर किस बात की गिरफ्तारी? किसी को भी उन्होंने जो देखिए, उन्होंने ये स्टेप वापस क्यों लिया, जब उनको डर लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो एजेंडा है वो एक्सपोज हो गया, तब जाके उन्होंने ये स्टेप वापस लिया। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने श्रीराम की बात क्यों की, अगर उनकी नियत में खोट नहीं होती, वापस ले ली ना रोहन जी, कॉल वापस ले ली ना, हम मातोश्री जाने की, का विरोध करने वाले मातोश्री नहीं गए ना, इसका मतलब पर आप नहीं, उसके पहले जो उन्माद उनको फैलाना था, जो उन्होंने करना था वो तो उनको जो एजेंडा था वो था। ठीक है, बोलिए शर्मा जी, कर सकते हो, और इनकी उस बात जवाब दीजिए कि नवनीत राणा को जय श्री राम की उद्घोष से प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज वो आपके लिए हिंदुत्व के मैस्कॉट कैसे हैं? सर मेरी बात सुनिए ना सौरभ जी, इन्होंने क्या कहा अभी, क्योंकि आपने जब पूछा कि आपने गिरफ्तार क्यों किया, तो कहते हैं उनकी नियत देखिए, उसके पीछे भाजपा है, मतलब आपने इसलिए आपने मन से ले लिया कि उसके पीछे भाजपा है, और भाजपा के कारण से कहा, भाजपा ने कहा भाई कि हमारी वो एक निर्दलीय सांसद है, उसके हस्बैंड निर्दलीय है, लेकिन क्योंकि आपकी दुश्मनी भाजपा से, इसलिए आप सीधे एक अपने बातों में कह रहे हो क्योंकि पीछे भाजपा है। उनका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, ये सब राजनीति है, आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। आज उनकी आज राणा दंपत्ति ने जो स्टैंड लिया है वो इनको सूट करता है, तो उनके पीछे खड़े हो गए, ये तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।